बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि 3 मरतबा सूरह फातिहा अव्वल व आखिर पढ़कर मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की बख्शिश की दुआ करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जैसी हस्ती के खिलाफ इस कदर बेबुनियाद, मुजहिका खेज, नाकाबले यकीन और दिल आज़ार इल्ज़ामात की बौछाड़ की गई, जो कि एक फरिश्ता सिफत शख्सियत थे जिनके मुखय्यरुल अकूल कारनामे की बिना पर आज पाकिस्तानी सीना तान कर चलता है। लेकिन डॉक्टर खान पर इस किस्म के इल्ज़ामात पहली दफ़ा नहीं लगे थे, बल्कि 2001 में जब इन्हें खान लेबॉरेटरीज से फारिग किया गया था और इस पर अवाम ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया क्योंकि वो इन्हें ताहयात खान लेबॉरेटरीज का चेयरमैन रखने के हक में थे, तो इस वक्त भी अवामी रद्द अमल की शिद्दत कम करने और डॉक्टर खान के कद को घटाने के लिए इसी किस्म की बाज़ खबरें शाया करवाई थीं। इस वक्त ये भी कहा गया था कि आरएल के हिसाबात का कभी ऑडिट नहीं हुआ था। पहली बार के आरएल का ऑडिट हुआ तो ये बात सामने आई कि 7 अरब रुपए का कोई हिसाब मौजूद नहीं, ये रकम कहाँ खर्च हुई। इस वक्त किसी ने यह खबर भी शाया करवा दी थी कि डॉक्टर खान इस्लामाबाद में साशे के नाम से जो फलाही तंजीम चला रहे हैं उन्होंने इसकी खातून सरबराह के साथ खुफिया शादी रचा ली है। इस वक्त जो दूसरे इल्ज़ामात तराशे गए वो कुछ यूं थे। ये वो डॉक्टर खान नहीं जिन्होंने कहूटा प्रोजेक्ट का आगाज़ किया था, वो कोई और डॉक्टर खान थे और ये डम्मी के तौर पर आगे लाए गए थे ताकि पाकिस्तान के दुश्मनों को मुगालता में रखा जाए। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान एक बदमिजाज, अक्खड़ और ख़ुद पसंद आदमी है। सवाब दीदी फंड्स को ज़ाती अखराजात के लिए भी इस्तेमाल करते थे। CDMA एक कब्ज़ा ग्रुप को इनकी आशीर्वाद हासिल रही और उन्होंने कई प्लाटों पर कब्जा किया। एटम बम बनाने में इनका कोई किरदार नहीं है। उन्होंने माली बेजाबतियाँ की जो साबित भी हो गईं, लिहाजा इन्हें बाइज्जत घर बहने के लिए मुशीर बनाया गया है। आप अंदाज़ा लगाइए कि इन लोगों का काम कौम को कोई खुशखबरी सुनाना था, लेकिन यूं महसूस होता है कि जैसे उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और इनके साथियों की हितक अमेजी को ही अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया था। और ये लोग पाकिस्तान के हक में कभी भी मुखलिस नहीं थे, जिसे डॉक्टर खान शुरू दिन से ही भांप गए। बाज़ औक़ात यूं होता है कि इंसान सारी ज़िंदगी किसी के साथ गुजार देता है लेकिन इसके दिल का भेद नहीं जान पाता। लेकिन आफरीन कौम के इस मर्द फतीन पर जिन्होंने सिर्फ चंद माह में ही कौम के पैसे का ज़िया करने वाले लोगों का असली चेहरा भांप लिया और न्यूक्लियर प्रोग्राम को इनकी दस्तरस से बचा लिया, ये डॉक्टर खान का मौजज़ा नहीं तो और क्या है। पूरी कौम को मोहसिन पाकिस्तान की शख्सियत पर बजा तौर पर फ़ख्र है और वो ता क़यामत हज़रत कायदे आज़म हज़रत इकबाल के बाद कौम के हीरो और मोहसिन हैं। कोहोटा की कहानी भी बड़ी दिल रुबा है। कोहोटा की तारीख का जायज़ा लें तो हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि आज भी खुदाए बुजुर्ग बरतर का खसूसी फजलो करम पाकिस्तान के सर पर रहा है और ये कौम किसी भी वक्त कोई मौजज़ा दिखा सकती है। इस दास्तान से अंदाज़ा होता है कि किसी तरह वो अफराद जो हमारे मुआशरे के लिए बेकार थे उन्होंने एक ऐसी तारीख रकम कर दी कि पाकिस्तान पूरी दुनिया इस्लाम का पहला और वाहिद एटमी मुल्क बन गया। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि कैसे पाकिस्तान एटमी कुव्वत बन गया। और ये जो कोहोटा के बारे में इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि इसके अकाउंट का ऑडिट नहीं होता था और इस प्रोग्राम में कौम का पैसा पानी की तरह बहाया गया, इसके बारे में मैं ये वाजे करना चाहूँगा कि आरएल का सालाना बजट कभी भी 20 से 25 मिलियन से ज़्यादा नहीं था। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कौम को ये बताना चाहूँगा कि कोहोटा का बाकायदा ऑडिट होता था जो फौज की एक खसूसी कमेटी करती थी। मैं आप लोगों को यह भी बताना ज़रूरी समझता हूँ कि डॉक्टर खान पूरे 25 बरस तक कोहोटा से वाबस्ता रहे और इन 25 बरसों में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने एक भी चेक साइन नहीं किया था, बल्कि इस हवाले से सदर पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान की एक खसूसी कमेटी कायम थी। सारा पैसा इन्हीं के इख्तियारात में था। डॉक्टर खान से इस मामले में सिर्फ हिदायत और इजाज़त ली जाती थी। ताहम जब डॉक्टर खान बरून ममालिक में कोहोटा प्लांट में नसब की जाने वाली मशीनरी की खरीदारी में मसरूफ थे तो इस वक्त मुतलका कमेटी ने इनके अकाउंट में पैसा भिजवाया था ताकि पुर्जा जात की खरीदारी में कोई मुश्किल दरपेश ना हो। और यह भी कि डॉक्टर खान इस मामले में खुद मुख्तार हो। यहाँ मैं ये अर्ज करना जरूरी समझता हूँ कि डॉक्टर खान बजाते खुद
बिरूने ममालिक में सेंट्रीफ्यूज मशीनरी की खरीदारी करते रहे हैं, जिसकी वजह से मगरिब या ये नाम निहाद पर आपको गंडा करता है कि इनके अंडरवर्ल्ड के साथ ताल्लुकात हैं। दरअसल जिन फिरानों की वसातत से डॉक्टर खान ने मतलूबा माल खरीदा था और जिनके जरिए वो माल पाकिस्तान पहुंचा था, वो मगरबी कंपनियां थीं। और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के जिस अंडरवर्ल्ड से ताल्लुकात का चर्चा है वो ये ही कंपनियां थीं। बहर कैफ, हम ज़ेर नज़र में कोहोटा के हवाले से ये बात साबित करना चाहते हैं कि जब यूरोप से माल मिलना बंद हो गया तो अक्सर चीज़ें फिर पाकिस्तान में ही बनाई गईं। KRL के दिनों में ही डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का ये उसूल था कि वो अपनी तमाम तर सरगर्मियों से कौम को इतला में रखते थे, जिसके लिए वो फौज या हुकूमत के मुतलका जिम्मेदारान को तमाम मालूमात बाहम पहुंचाते रहते थे। पूरी कौम भी इनसे मुत्तफिक थी। डॉक्टर खान ने KRL के दिनों में एक मजमून तहरीर किया था, कोहोटा की कहानी मेरी जुबानी, जिसमें कोहोटा के हवाले से इस वक्त तक की तमाम कोशिशों का इहाता किया गया। तो मज़ीद नाजरीन, चलिए कोहोटा की कहानी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की ज़ुबानी पर भी नज़र डाल लेते हैं, जिसमें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब कहते हैं कि मेरा ताल्लुक हिंदुस्तान की छोटी रियासत भोपाल से है। ये एक मुसलमान रियासत है जहां इस्लाम बिल्कुल सादा तरीके से अपनाया गया था। हमारे यहाँ किसी किस्म की फ़िरका परस्ती, शरपसंदी या इख्तलाफात वगैरह कुछ भी नहीं पाया जाता था। बचपन ही से हम सब लोग नमाजी थे, रोज़े भी रखते थे। मुझे याद है, मैं इस वक्त 7-8 बरस का हूँगा, जब हम मस्जिद जाते थे तो हमारे मौलवी साहब हमें अजान देना सिखाते थे। बाद में बड़ा होकर मैं अक्सर बेशतर सुबह की अजान दिया करता था। हमारे घर में तालीम का रवाज शुरू से ही था। मेरे बड़े अब्बा यानी वालिद के बड़े भाई रियासत भोपाल के महकमा मालियात के सेक्रेटरी थे। हमारे वालिद हेडमास्टर थे, जो सेंट्रल प्रोविंस में मुख्तलिफ जगहों पर मुतय्यन रहे, और मेरे चचा मजिस्ट्रेट और दीवान थे। इस तरह बचपन ही से मेरे दिल में दो पेशों का बड़ा ही रोब और असर रहा, एक उस्ताद और दूसरे जज। ये इस तरह के जब मैं अपने वालिद या चचा के साथ बाजार जाया करता था तो मैं देखता कि लोग बाजारों में खड़े झुक झुक कर इन्हें सलाम करते, अपने पास बड़े प्यार से बिठाते और दीदा दिल फर्शे राह किए रखते थे। बस ये चीज़ हमेशा के लिए मेरे दिल पर छा गई। बड़े होकर हुसूले तालीम के लिए बाहर गया, वकालत तो ना कर सका कि जज बनता, लेकिन ये ज़रूर सोचा कि साइंसी तालीम हासिल करके कम अज़ कम उस्ताद ज़रूर बन सकूँ। MSc की तालीम हासिल करने के बाद पहले ये ख्याल आया कि पाकिस्तान वापस चलना चाहिए, फिर सोचा कि वापस गया तो तालीमी पेशे में कोई अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, बेहतर है PhD कर ली जाए। फिर मुझे फेलोशिप मिल गई और मैंने PhD कर ली। इस दौरान मेरी तमाम तर तवज्जो इसी पर मरकूज रही कि यकीनन कहीं प्रोफेसरी करूँगा, और इसके लिए इधर उधर देखना भी शुरू कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया में एक अच्छी जगह निकली, मैंने खत लिखा मगर इसके जवाब में ताखीर हो गई। इसी असना में हॉलैंड से मुझे पेशकश आई कि वहाँ एक बड़ी इंडस्ट्री में मुझे एक अच्छे मेट्रोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। मेरे प्रोफेसर ने मुझे इस मौके से फ़ायदा उठाने का मशवरा दिया। अभी मैं बेल्जियम से हॉलैंड पहुंचा था कि ऑस्ट्रेलिया से जवाब आ गया, मगर प्रोफेसर के मशवरे और हॉलैंड लाने वालों की मेहनत तो मोहब्बत के ख्याल ने ऑस्ट्रेलिया जाने से रोक दिया, और यूं कुदरत ने इसी वक्त मेरी ज़िंदगी का रुख मुतय्यन कर दिया। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाता तो आज गालबन आपके सामने यूं बैठा ना होता। हॉलैंड पहुंचकर मैंने एक बड़े इदारे में काम शुरू कर दिया, ये न्यूक्लियर फील्ड से मुतल्लिक काम था। जब मैं हॉलैंड पहुंचा तो यूरेनियम की अफजूदगी का काम जारी था, मुझे भी इसी पर लगाया गया। यहाँ बेशुमार मुश्किलात का सामना था, मगर मैंने बड़ी मेहनत से काम किया। जब मैं बेल्जियम में था तो इस वक्त 1971 के मशरकी पाकिस्तान के वाकयात वहाँ हर रोज़ टेलीविज़न पर दिखाए जाते थे। अगरचे हम पाकिस्तानियों का वहाँ ये अंदाज़ा था कि इसमें कुछ ज़्यादती हमारी जानिब से भी हुई है, लेकिन जिस तरीके से मगरबी ज़राए अबलाग इसको पेश कर रहे थे वो बहुत शर्मगेज़ था। ख़ास तौर पर ऑल इंडिया रेडियो, BBC, वॉइस ऑफ अमेरिका, टाइम और न्यूज़ वीक वगैरह हमें बिल्कुल भेड़िए और शैतान साबित करने की कोशिश कर रहे थे। जब ढाके के सरेंडर की तस्वीर और फिल्म दिखाई गई तो जितने भी पाकिस्तानी वहाँ पर मौजूद थे, इनका हाल नाकाबले बयान है। मेरी और मेरे साथियों की आंखों से आंसू रवां थे। ये हम तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि पाकिस्तान के सियासी हालात कुछ ऐसा रुख इख्तियार कर लेंगे।
कि पाकिस्तानी अफवाज इस तरह जहरीलो ख्वार होंगी और इन्हें हथियार डालना पड़ेंगे। इसके चंद ही महीने बाद मैं हॉलैंड चला गया। 1971 का वाकया दिल पर बुरी तरह असर कर गया था कि 18 मई 1974 को भारत ने एटमी धमाका कर डाला। अब हमारा वजूद बिल्कुल ही खतरे में पड़ गया था। पहले आधा मुल्क छीन लिया गया था और अब भारत ने एटमी कुव्वत हासिल कर ली थी। वो किसी भी वक्त हम पर हमला कर सकता था। हकीकत यह है कि जब मैं 1974 के अवाखिर में पाकिस्तान आया तो हर शख्स की जुबान पर यह था कि अब भारत की बालादस्ती कबूल कर ली जाए, इससे किसी किस्म का झगड़ा ना किया जाए और अपनी अफवाज कम करके इसके अखराजात कौम की तरक्की पर खर्च किए जाएं। मैंने इस वक्त ये सोचा, अगर अब कोई एहतियाती कदम ना उठाया तो हमारा वजूद सख्त खतरे में पड़ जाएगा। मुझे इस मामले में चूंकि पहले ही खासा तजर्बा था, हॉलैंड से मैंने हुकूमत पाकिस्तान को ख़त लिखा कि आप इस वक्त के सियासी हालात से बखूबी आगाह हैं और आप ये भी जानते होंगे कि भारत के एटमी धमाके के बाद हमारा वजूद खतरे में पड़ गया है और हमारे हौसले पस्त हो गए हैं और लोगों में खुलेआम इस किस्म की बातें होने लगी हैं कि अब भारत की बालादस्ती कबूल कर लें तो फिर पाकिस्तान बनाने का मकसद ही फौत हो जाएगा। अगर हमें भारत और हिंदुओं की ही बालादस्ती कबूल करना थी तो फिर पाकिस्तान के लिए ये तमाम जद्दोजहद, लाखों माओं बहनों और भाइयों का कत्लेआम क्यों कराया गया? बेहतर यह कि हम इस वक्त ही कोई लायामल तैयार करके इस पर फौरन काम शुरू कर दें कि हमारी सलामती और बहबूद का तकाजा भी यही है। मुझे फौरन दावत दी गई कि पाकिस्तान पहुंचूं। नाज़रीन मोहतरम, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। एक नए एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद, अल्लाह निगेबान।